हेलो दोस्तों, मैं रुपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए सवाल में आज वीडियो नंबर कौन सी है, 47। वैसे तो फ्रेंड्स, मैं डेली आपको 11 बजे सुबह कॉन्सेप्चुअल वीडियो सिखाता हूँ, लेकिन आज मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जो है संकलन किया हुआ है। और फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जितने भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में, वही क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है। तो फ्रेंड्स, शुरू से लेके अंत तक आपको मेरे साथ बने रहना है, वीडियो को जो है मिस नहीं करना है, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। एक बार फ्रेंड्स, आप सभी लोग भी वीडियो को रोक कर क्वेश्चन खुद से बनाने का प्रयास किया करिए। नहीं आता है फ्रेंड्स, तब देखना है। एक क्लास मेरी फ्रेंड्स सुबह शाम को 7 बजे चलती है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस वाले बच्चे हैं वहां से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड, जैसा कि मैं हमेशा लेटेस्ट सवाल ही लेके आता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आपको चीजों को अपडेट भी करना है, इस बात का ध्यान देना। तो फ्रेंड, क्वेश्चन कह रहा है 6 के प्रथम 8 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। तो गुणज का मतलब होता है फ्रेंड्स मल्टीपल, इस बात का ध्यान देना। तो 6 के प्रथम 8 कह रहा है, यानी 6 का 6, 6 2 12, और ऐसे ही चला जाएगा, 6 8 48। जब देखिए फ्रेंड्स, आपको लगातार संख्या दिया रहे, चाहे लगातार सम संख्या दिया रहे, चाहे लगातार विषम संख्या दिया रहे, या ऐसी श्रेणी जो समांतर श्रेणी में हो, यानी जिनके बीच अंतर डिफरेंस हो, उनका औसत फ्रेंड्स या तो एग्जैक्ट मिडिल नंबर होता है, या तो पहली संख्या आखिरी संख्या को जोड़कर उनका आधा कर दोगे तो भी औसत निकल के चला आएगा। तो यानी 6 धन 48 बटे 2 कर देंगे, 48 6 कितना होता है 54, और 54 का आधा कर दोगे कितना जाएगा 27। यानी फ्रेंड्स 27 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है देखिए फ्रेंड्स, मैं जैसा कि हमेशा आपको लेटेस्ट सवाल कराता हूं, तो लेटेस्ट क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, एक निश्चित बिल पर 27% की छूट और 20% तथा 10% की दो क्रमिक छूटों के बीच का अंतर 56 रुपए था। तो कह रहा है बिल की धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको एक छूट तो दिया है 27% का, अब कह रहा है और 20% और 10% के दो क्रमिक छूट दिए हैं। तो जब फ्रेंड्स दो क्रमिक छूट दिए जाएं, तो एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, x प्लस वाई माइनस का एक्स वाई बाई 100। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 20 धन 10 माइनस का 20 गुणे 10 बटे 100। वैसे फ्रेंड्स ये आपको ओरल कैलकुलेशन करना है, लेकिन मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूँ। 20 10 30, 30 में से 2 जाएगा, कितना जाएगा 28। यानी 2 लगातार डिस्काउंट दे रहा है, इसलिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 28%। इनके बीच का अंतर आपसे कह रहा फ्रेंड्स कितना है 56 रुपए। तो मेरा अंतर 1% आया, लेकिन क्वेश्चन में 56 दिया है, तो अपने का कंपेरिजन किससे करेंगे, क्वेश्चन से कर देंगे। आपसे बिल की धनराशि पूछा है फ्रेंड्स, धनराशि हमेशा 100% होगी, इस बात का ध्यान देना। यानी 5600 रुपए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी पहला ऑप्शन। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या है फ्रेंड्स, ये भी बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, आप लोग भी इसको बनाने का प्रयास किया करिए। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है कॉफी और चाय के मूल्य का अनुपात 3:4 है। एक परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली उनकी मात्रा का अनुपात 4:7 है। तो कह रहा है कॉफी और चाय पर होने वाले व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, एक बात का हमेशा ध्यान देना फ्रेंड्स, मूल्य इंटू मात्रा बराबर क्या होता है, खर्च, या मूल्य इंटू उपभोग कह लीजिए, इसी को क्या कहते हैं, खर्च। उपभोग का मतलब कंजम्पशन जिसे बोलते हैं। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स, आपका अगर हम बात कर रहे हैं तो मूल्य का जो रेशियो कितना दिया है, 3:4। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका काफी है, सी से लिख देता हूँ, ये आपकी चीनी है, चीनी को मैं जो है किससे लिख देता हूँ, चलिए फ्रेंड्स इसको मैं लिख देता हूँ आप लोगों का सी से। तो ये कॉफी है, COFF लिख देते हैं, ये चीनी है। क्लियर है? अब देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद आपसे कह रहा है कि इनकी जो है मात्रा, इनकी मात्रा का जो रेशियो है, तो हम कह सकते हैं कि कितना है इनका रेशियो दिया है, 4:7। तो आपसे कह रहा है कि इनके जो है व्यय का अनुपात, यानी मूल्य इंटू मात्रा बराबर अभी हमने कहा फ्रेंड्स क्या होता है, खर्च। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, वैसे मैं दिखा दे रहा हूँ, 3:4 रेशियो कितना हो जाएगा, 4:7। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना जाएगा, 3:7 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि फ्रेंड्स किसका, काफी और चाय का होने वाले व्यय का अनुपात पूछा है, ये भी आपको ध्यान देना है।
चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है फ्रेंड्स, देखिए ये सवाल 5 स्टार लगा लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके उत्तर प्रदेश चाहे पुलिस हो चाहे एसएससी जीडी हो, दोनों जगह इस टाइप का सवाल एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड क्वेश्चन कह रहा है, 10 वर्ष पहले पिता की आय उसके पुत्र की आयु की 3 गुना थी। कह रहा है 10 वर्ष बाद पिता की आय उसके पुत्र की आयु की 2 गुना होगी, तो कह रहा है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। तो ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, ये है कौन पिता और ये कौन है पुत्र। अब आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, प्रेजेंट हम बांध लेते हैं कि फ्रेंड्स ये क्या है प्रेजेंट है, ये क्या है प्रेजेंट है। आपसे कह रहा है कि 10 वर्ष पहले की बात हो रही है फ्रेंड्स, 10 वर्ष पहले कह रहा है जो है पुत्र की आयु की पिता की आय पुत्र की आय की 3 गुना थी। तो ये 3 है तो पुत्र कितना है 1 है। उसके बाद कह रहा है फ्रेंड 10 साल बाद पिता से क्या कह रहा है कि प्रेजेंट से 10 साल बाद जो है 10 साल बाद कह रहा है पिता की आय पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, तो ये 2 हो जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे 1। एक बात का हमेशा ध्यान देना फ्रेंड्स, इनके बीच का गैप देखा करिए बराबर है नहीं है, यहाँ पे 1 का गैप है यहाँ 1 का भी नहीं है। तो पहले गैप को बराबर करते हैं, गैप बराबर करने का तरीका है इनके बीच का डिफरेंस और इनके इनके बीच का डिफरेंस ले लो। अब इनके बीच का डिफरेंस तो 1 ही आएगा, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से करेंगे देखिए फ्रेंड्स, 2 दूनी 4 और 2 एकन्नम 2, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स 3 4 के बीच का डिफरेंस 1, 1 और 2 के बीच का डिफरेंस 1, मेरा डिफरेंस 1 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है प्रेजेंट से 10 साल पहले और 10 साल बाद, टोटल गैप कितने का आएगा 20 साल का। एक बात का ध्यान देना फ्रेंड, 10 साल पहले और 10 साल बाद, तो माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 साल। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 20 साल, पिता की देखिए 20 दियाई कितने हो जाएंगे 60, अब पुत्र कितने हो जाएंगे 1 है तो 20 एकन्नम 20, ये प्रेजेंट से 10 साल पहले का है, 60 साल 20 साल, लेकिन प्रेजेंट का पूछा है यानी 10 और जोड़ देंगे 10 साल बाद का, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स ये 70 साल के पिताजी हो जाएंगे, पुत्र कितने हो जाएगा 30 का। रेशियो ले लेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, उनकी वर्तमान आयु का योग 7:3, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो बड़ा ही बेहतरीन सवाल था फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण भी था, इस बात का ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं, इस टाइप का सवाल फ्रेंड्स ट्रेंडिंग में बहुत है, एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। 69 और 92 के बीच आने वाली अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात कीजिए, चाहे फ्रेंड सीजीएल का हो चाहे सीएचएसएल का हो चाहे पिछले उत्तर प्रदेश पुलिस में हो एसएससी जीडी में हो, हर एग्जाम में ये वाला सवाल बहुत पूछा जाता है और आगामी जितने भी होने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको गांठ बांध के रख लीजिए। अब कह रहा फ्रेंड्स 69 और 92 के बीच आने वाले अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात करना है। तो देखिए फ्रेंड्स 69 के बाद 70 तो कट जाएगा, तो अभाज्य इसका कोई फ्रेंड्स एक बात ये भी है, कोई शॉर्ट का ट्रिक नहीं है, आपको सोचना ही पड़ेगा कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। तो एक काम आज करिएगा, 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखिएगा फ्रेंड्स, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं सर्कल करके उनके नीचे उनके नंबर लिख लो कि 1 से 10 के बीच में कितनी होंगी, 20 से 21 के बीच में कितनी होंगी, तो ये सारी चीजें आप लिख लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स 1 71 हो गया, 71 के बाद आपका क्या हो जाएगा 73 अभाज्य संख्या है, 74 75 76 77 78 नहीं होगा फ्रेंड्स, उसके बाद क्या हो जाएगा 79 है। 79 के बाद देखिए फ्रेंड्स 80 कट ही जाना है, 81 82 भी कट जाना है, 83 आपका 83, उसके बाद हम बात करें 84 85 86 87 भी कट जाएगा फ्रेंड्स, 88, उसके बाद हम बात करते हैं 89 के बाद फ्रेंड्स 90 91 कितना हो जाएगा 91, इतनी अभाज्य संख्याएं हैं। औसत का मतलब होता है कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या, इनका योगफल करके 6 से भाग कर दीजिए, क्लियर है। तो इसका मतलब एक तो है कि फ्रेंड्स ऑप्शन वही सही होगा जो 6 से कटे, ये भी ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ऑप्शन वही सही होगा जो 6 से कटे यानी 6 का मल्टीपल हो, इस बात का ध्यान देना। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए इसमें ये क्या 6 से कट रहा है, 8 1 9, तो इसका मतलब 6 1 6 6 से ये नहीं कट रहा, क्या 82 79 6 से कटेगा, 6 1 9 ये भी नहीं कटेगा, क्या 82 6 से कटेगा फ्रेंड्स, 6 से कटेगा, तो इसका मतलब ये भी चेक कर लेंगे तो फ्रेंड्स 6 से कटना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, चलिए ऐड कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए इसको ऐड करते हैं तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, देखिए आपका 9 1 10 10 3 13, 13 में 9 जोड़ देंगे, 13 9 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 22, 22 3 कितना हो जाएगा, 22 3 आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 25 1 26, 26 की कितना हो जाएगा 6 2 आ गया। तो देखिए फ्रेंड्स 9 2 11 11 8 19 19 8 27,
27 3 30 4 34, 34 7 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 41 7 48, 486 बटे 6, 6 से काटेंगे 6 8 48, 6 91, 6 यानी 81 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग एक थोड़ा सा दिमाग लगा सकते थे कि 6 से कटेगा, तो मैंने 6 91 6 नहीं कटा था, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब 6 91, जैसे मैंने 6 से भाग किया था तो 6 91 कितना आ गया, 6 21, 21 6 से नहीं कटता। तो इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है, ये 3 का मल्टीपल था, या ऐसा करिए कि पूरा कैलकुलेट ही कर लीजिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फ्रेंड्स अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोगों से क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि एक नाव धारा की प्रतिकूल दिशा में 1 घंटे में 3 किलोमीटर चलती है और धारा की अनुकूल दिशा में 12 मिनट में 1 किलोमीटर चलती है। नाव को स्थिर जल में 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, धारा का प्रतिकूल मतलब इसको हम अपस्ट्रीम मानते हैं। तो अपस्ट्रीम किसे कहते हैं, यानी आपसे सबसे पहले हमेशा स्पीड निकाला करिए। तो 3 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटे में, तो यही है चाल बराबर दूरी बटे समय, कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के अनुकूल जिसे हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं फ्रेंड्स, ये मैंने बहुत शानदार तरीके से पढ़ा रखा है, इसी में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, एसएससी जीडी यूपीपी वाले में मैंने हर एक टॉपिक लगभग लगभग कवर कर दिया फ्रेंड्स। एग्जाम के पहले मैं सब कुछ पूरा जो है, जो मैंने आपसे वादा किया है, वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए फ्रेंड्स, 1 किलोमीटर 12 मिनट में जा रहा है, तो 12 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे 60, 12 × 5 = 60, 5 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है नाव को स्थिर जल में 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, यानी एक्स बराबर डी प्लस यू बाई टू होता है, 5 × 3 = 8, 8 का आधा कर देंगे कितना हो जाएगा 4, यानी एक्स बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, इन दोनों को जोड़ के आधा करोगे तो स्थिर जल में नाव की चाल आ जाएगी। समय पूछा है तो 6/4 कर देंगे, इंटू कितना कर दीजिए फ्रेंड्स 60, 4 से काटेंगे 15 × 4 = 60, यानी 15 × 6 = 90 मिनट, 90 मिनट आ गया फ्रेंड्स। 90 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, यानी चौथा ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये भी बड़ा ही बेहतरीन है और अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। क्वेश्चन कह रहा है 4 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य 2100 है और 5 कुर्सी और 2 मेजों का मूल्य 1750 है, तो 1 कुर्सी का मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, 4 चेयर है 3 टेबल है, इसका मूल्य कितना है 2100 फ्रेंड्स। ये यूपीपी में भी पूछा गया है, सेम डिजिट यही सवाल, और सीएचएसएल में भी पूछा गया है, मुझे याद है क्योंकि मैं हमेशा टॉप 10 में कराता रहता हूं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, 5 कुर्सी और कह रहा 2 टेबल है, इसका मूल्य कितना है 1750 है। आपसे 1 कुर्सी का मूल्य ज्ञात करना है। हमको जहां तक याद है कि फ्रेंड्स इसका आंसर 150 आएगा, जहां तक मुझे याद है, क्योंकि फ्रेंड्स ये मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में भी ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, मुझे कुर्सी का दाम चाहिए तो टेबल को इलिमिनेट करो। तो देखिए फ्रेंड्स, टेबल यहां 2 है तो 2 से यहां मल्टीप्लाई करिए, यहां 3 है यहां 2 है, दोनों को 6 बनाना है फ्रेंड्स, ये काम आपको करना है। तो ऊपर 3 है, 3 से गुणा करिए, 2 से करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 चेयर प्लस 3 दूनी 6 टेबल इज इक्वल कितना हो जाएगा 4200। 3 से करेंगे तो 5 × 3 = 15 चेयर प्लस का कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6 टेबल इज इक्वल 3 × 0 = 0, 3 × 5 = 15 हासिल लाइन 1, 3 × 7 = 21 = 22 हासिल लाइन कितना हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी लोगों का 3 × 0 = 3 × 5 = 15 = 5 1 3 × 7 = 21 = 2 3 × 3 = 3 2 5। अब घटा लेंगे तो फ्रेंड्स देखिए, इससे इसको घटा लो, इससे घटाएंगे तो थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जैसे घटाओ आंसर आएगा, ये तो आपका कट जाएगा। तो घटाएंगे तो 15 से 8 चेयर से 7 चेयर 52 से 50 से 42 घटाएंगे 0501। अब 7 से काटेंगे, देखिए फ्रेंड्स 7 × 7 = 7 और 7 × 5 = 35, 1 चेयर का मूल्य 150 आया। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बता भी दिया था कि इसका आंसर 150 होगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रीवियस ईयर का सवाल है, लेकिन सीएचएसएल 2023 में भी ये सवाल सेम डिजिट पूछा गया। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक धनराशि को ए बी और सी के बीच 4:3:6 के अनुपात में बांटा गया है। किसमें बांटा गया फ्रेंड्स, 4:3:6 के रेशियो में बांटा जाता है। कह रहा जो सी का हिस्सा है बी से 6 से ज्यादा है, तो यहाँ कितना ज्यादा है 3, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 600,
मेरा 3 आया क्वेश्चन में, 601 की वैल्यू निकाल देंगे, 200 आएगा। कह रहा फ्रेंड्स, ए को बी से कितनी धनराशि ज्यादा मिली, ए को बी से कितनी धनराशि यहाँ पे ज्यादा मिल रही है, एक, और मुझे एक की ही वैल्यू चाहिए, एक की वैल्यू कितना है 200, यानी 200 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स एग्जाम में करेंगे तो बड़ी आसानी से आएगा। चलिए फ्रेंड्स, ये भी बड़ा ही फेमस सवाल है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, 5 स्टार लगा लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात का ध्यान देना है। क्वेश्चन कह रहा है, एक विद्यालय के 40 विद्यार्थियों का औसत भार, देखिए फ्रेंड 40 विद्यार्थियों का औसत भार कितना है, 52 kg है। यदि शिक्षक का भार शामिल कर लिया जाएगा तो कितने लोग हो जाएंगे, 41, तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि होती है, यानी 52.5 kg हो जाएगा। तो कह रहा शिक्षक का भार केजी में ज्ञात करो, बहुत सारे बच्चे इसका मल्टीप्लाई करके तब डिफरेंस लेंगे तो भी आएगा, लेकिन मैं जो हमेशा तरीका सिखाता हूँ वैसे करना। ये देखिए फिर से 52 से 52.5 कितना ज्यादा है, प्लस का 0.5, 41 40 से कितना ज्यादा है, प्लस का 1। देखिए फ्रेंड्स, इसका मल्टीप्लाई हमेशा इसमें किया करिए और इस वाले का मल्टीप्लाई इसमें किया करिए। 1 × 52.5 करेंगे तो यही आएगा। अब 40 × 0.5 करेंगे तो 40 × 0.5 करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, इस जीरो से ये डेसिमल हट जाएगा तो 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20 आएगा। तो प्लस का कितना हो जाएगा, 20। 52.5 में 20 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 72.5 kg आएगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी चौथा ऑप्शन। तो जैसा कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे, एग्जाम में आएगा तो इसी तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है फ्रेंड्स, ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैं एक क्वेश्चन हमेशा होमवर्क देता हूं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नहीं आता है तो फ्रेंड्स शाम को 7 बजे मेरी यूपीपी के प्रीवियस ईयर सवाल में मैं करा दूंगा, जहां मैं टॉप 10 क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से कराता हूं। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। फ्रेंड्स, आपको किस टॉपिक में दिक्कत है, इस नंबर पे आप अपने डाउट भेज भी सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर मैं शानदार तरीके से वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।